हल्द्वानी में 3 दिवसीय जौहर महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र के जौहर घाटी के रहने वाले वाशिंदे हल्द्वानी में जौहर महोत्सव का आयोजन पिछले 14 सालों से आयोजित करा रहे हैं। जौहर घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। इन प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जौहर घाटी के वाशिंदे इस 2 दिवसीय जौहर महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में जौहर घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला, वहां के उत्पादों के स्टॉल भी इस महोत्सव में लगाए गए हैं। उनके मुताबिक जौहर घाटी की संस्कृति को बचाने और उसको संजोए रखने के लिए इस आयोजन को हर वर्ष किया जाता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ जौहर महोत्सव में मुख्य आकर्षक का जो केंद्र है हमारे मेन, हम जो जिस इलाके के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र की जो खान पान है, उस क्षेत्र के जो पहनावा है, वेशभूषा, जो भी चीज़ है, हमारे आकर्षक का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो मेन है, हमारा उद्देश्य है जौहर महोत्सव का एकत्रित करना, जो हमारा सौका परिवार है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही, तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर से जौहर महोत्सव लगातार आयोजित होता है। इस बार भी ये 28 और 29 को है जौहर महोत्सव और 30 को है गितियार प्रोग्राम, तो 3 दिन के लिए आप आइए। दिन से लेके जो है ये रात तक चलता है और शाम को 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और यहाँ अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ की स्थानीय मुंशारी के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, राजमा हो गया, गंदरानी, जम्मू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जौहर की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं, वहाँ के पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, उस वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको, वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाने चाह रहे हैं वहाँ का।